आप देख सकते हैं ये है 2013 मॉडल सोनालिका DI-35। और स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो पावर में है और सोनालिका का DI-35 है, साथ में इसके छतरी है और जो तीन सिलेंडर ट्रैक्टर हैं। एक बार जिसका इस साइड से लुक है वो देख लेते हैं, टायरों को भी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी मॉडल और कीमत की बात करेंगे। पिछला टायर है इसका JK का, साइज़ की बात करें 13x28 का, बिल्कुल अच्छी कंडीशन के अंदर है। अगले की बात करें, अगला भी JK का 6x16 का टायर है। मॉडल है ये 2013, कीमत इसकी लिखी गई है 3,20,000 रुपये। इसके बाद है ये काफ़ी पुराना आइसर है आपके सामने, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है आइसर गुडरत, यानी कि काफ़ी पुराने जो आइसर हैं। पिछले टायर हैं इसके गुडियर के 12x28 के, आप देख भी सकते हैं, और जो कंडीशन है इसकी वो है तकरीबन 30 से 35% के आसपास। अब आते हैं इसके अगले टायर के ऊपर। अगला है इसका टायर जो है वो पता नहीं डॉलर है या पता नहीं क्या कंपनी है, वो मुझे नहीं पता, ना ठीक से दिख रही है, मिट गई काफ़ी। तो अगला जो इसका टायर है वो है 6x16 का। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन आपके सामने है, ये आप देख लीजिए। स्टेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो पावर में तो स्टेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है, सादा स्टेयरिंग है, मैकेनिकल स्टेयरिंग हम जिसको बोलते हैं, और ना ही स्लिप स्टार्ट में, ये हैंडल से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये गुडर्थ जो पुराने थे उस समय पे मेरे ख्याल से स्लिप सिस्टम इनके अंदर नहीं था, बाद में आया है। ये म्यूजिक सिस्टम है साथ में, छतरी वगैरह है, तो ये सब कुछ है। अब आप देख सकते हैं इसके एक बार कंडीशन, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है इसकी अभी जो आप देख रहे हैं। मॉडल है ये 1993, कीमत की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1,12,000 रुपये इसकी जो कीमत है वो रखी गई है। अब एक बार हम देखा देते हैं आपको कि जो मंडी है वो कुछ इस टाइप से लगी हुई है। कोशिश करते हैं कुछ और ट्रैक्टर कवर करने की, हालांकि यहाँ से हमने कवर किए हैं, आपको जो है अलग अलग वीडियोज़ के अंदर ये ट्रैक्टर एक एक करके देखने को मिलेंगे। ये बचे हुए हैं कुछ, इनको कवर कर लेते हैं। तो ये है फार्म ट्रक 45 आपके सामने, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो मॉडल है 2009। सबसे पहले टायरों पर आएँ तो C8 के पिछले टायर हैं 13x28 के। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 85% से ऊपर कंडीशन है इसकी पिछले टायर की, जो C8 का आयुष्मान टायर है वही है ये। अगले की अगर हम बात करें तो अगला है गुडियर का 6x16 का टायर, कंडीशन जो है इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है चारों टायर इसके। एक बार आते हैं इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो कुछ इस प्रकार की जो कंडीशन है वो इस साइड से है। एक बार आगे से इसको देख लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड से देखेंगे, फिर मॉडल और कीमत की हम बात करेंगे। तो आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, नंबर है HR22E, यानी कि हरियाणा का ही नंबर है, बाहर का नहीं है। तो इस साइड से जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है जो आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं इसकी मॉडल और कीमत के ऊपर, तो मॉडल है 2009, कीमत लिखी गई है इसकी 3,35,000 रुपये। अगला है आइसर 241, सिंगल सिलेंडर ट्रैक्टर है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टायरों के ऊपर, पिछले टायर 12x28 के। अगर कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल नए टायर हैं, अभी तक जो इसके नंबर हैं वो भी नहीं मिटे हैं। अगले टायर की बात करें, अगले हैं JK के और 6x16 टायर हैं, ये भी बिल्कुल नए टायर हैं, और मॉडल है ये 2015। स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो सादे स्टेयरिंग के अंदर है, बिल्कुल भी जो पावर स्टेयरिंग है वो नहीं है इसके अंदर। जो एक बार जो उसकी कंडीशन है प्लेटफॉर्म की वो देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, एक बार इस साइड से भी आगे से देख लीजिए एक बार, तो आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इस साइड से जो कंडीशन है वो भी देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, इसकी बात करें मॉडल और कीमत की, तो मॉडल है 2015, और जो कीमत इसकी लिखी गई है वो लिखी गई है 2,60,000 रुपये। तो ये थे कुछ ट्रैक्टर जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए, और बाकी जो ये ट्रैक्टर्स आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन सभी ट्रैक्टर्स को हमने कवर किया है एक एक करके, अलग अलग वीडियोज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो डेली वीडियोज़ हमारी आती हैं, देखते रहिएगा। कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती हैं या कोई कमी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।